आगरा से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में सिर पटक पटक कर रोया पुजारी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगने पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था पुजारी, पुजारी के रोने पर बम उसके इलाज के लिए बनाया गया पर्चा, लाल चुनरी में कृष्ण की प्रतिमा लेकर अस्पताल पहुंचा था मंदिर का पुजारी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगने पर प्लास्टर कराने आया था पुजारी, जिला अस्पताल में इलाज न किए जाने पर पुजारी की भी तबीयत बिगड़ी। ताज नगरी आगरा के जिला अस्पताल में एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर पहुंचा एक मंदिर का पुजारी फूट फूट कर उस वक्त रोने लगा जब उसके बाल गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण का किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। आपको बता दें कि खेरिया मोड़ मंदिर पर रहने वाले पुजारी ने बताया कि आज सुबह भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा रहा था, तभी मूर्ति के गिरने से भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई। बस फिर क्या था, मंदिर का पुजारी घायल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लाल चुन्नी में रखकर जिला अस्पताल पहुंच गया और इलाज के लिए पर्चा बनवा लिया, लेकिन जब मूर्ति को लेकर पुजारी डॉक्टरों के पास पहुंचा तो डॉक्टर देखकर चकित रह गए और पुजारी को वापस कर दिया। इस पर पुजारी अस्पताल में ही सिर पटक पटक कर रोने लगा। मैं मंदिर का पुजारी हूँ, खेरिया मोड़ में 35 साल से हूँ पुजारी हूँ वहाँ का। आज सुबह इन्हें स्नान कराने का सिंहासन बैठाया तो एक मतलब गिर गए, गिरने के बाद उनका हट टूट गया। मैं सुबह से सर पटक पटक के नहीं रो रहा हूँ, डिस्ट्रिक खुली है तब मैं जाने दवाई कराने के लिए आया हूँ, प्लस्तर चढ़ा इनका हमारे लोग। इस बाकियों को देखकर अस्पताल में भीड़ लग गई। जब डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया तो रोते रोते पुजारी की भी तबीयत खराब हो गई है। फिलहाल पुजारी को डॉक्टरों ने अपनी देखरेख में रख लिया है।